उज्जैन में गुरुवार को शहर में ईद मिलादुन्नबी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रमुख मार्गों से जुलूस निकाला गया। शहर के 45 विभिन्न स्थानों से जुलूस सुबह प्रारंभ हुआ। जुलूस के साथ झांकियां भी शामिल रही, जहां जुलूस का जगह जगह पर स्वागत किया गया। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर गुरुवार को मोहम्मद साहब के जन्म दिवस की खुशी में जुलूस जामा मस्जिद से शुरू हुआ। ये जुलूस कालियादे गेट से नईम बेग मार्ग होते हुए पुनः जामा मस्जिद पर समाप्त हुआ। जुलूस में मुस्लिम समाजजन बड़ी संख्या में शामिल थे। जुलूस की समाप्ति के बाद झांकी बनाने वालों को सीरत कमेटी द्वारा पुरस्कृत किया गया है। CSP ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि ईद मिलादुन्नबी के जुलूस मार्ग पर उचित प्रकाश व्यवस्था के साथ CCTV कैमरे भी लगाए हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से लगभग 250 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए थे। वहीं शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही थी। अरफात का जुलूस और एक ऐसा जुलूस है जिसकी खुशी उज्जैन ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने के अंदर मनाई जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश, और वो यौम पैदाइश जिसने दीन का आगाज़ किया हो, जिसने दीन को फैलाने की कोशिश की हो, ऐसे शख्स के लिए हाँ सारा मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उस खुशियों को मनाया जा रहा है। काबिल मुबारकबाद, और सभी लोगों को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जुलूस जामा मस्जिद से शुरू हुआ है। ये कैडीगेट होता हुआ और कमरी मार्ग होता हुआ पट्टी बाजार, और पट्टी बाजार से गुदरी और गुदरी से लोहे का पुल, और लोहे के पुल से तोफाना होता हुआ नई सड़क, और नई सड़क से मिर्जा नईम बेग रोड होता हुआ वापस जामा मस्जिद।